क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना महामारी में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में प्रदेश की शिवराज सरकार 10,000 रूपए की वृद्धि कर प्रदान करे। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पूरी नहीं हुई है, जैसे शिवराज सरकार अब पूरी करे। इसके साथ ही डायग्नोसिस सेंटर, पैथोलॉजी पर सिटी स्कैन और एक्सरे की दरें राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, जिससे इनके द्वारा महामारी से पीड़ितों से वसूली जा रही मनमानी राशि पर रोक लग सके। उक्त मांग प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। नूरी खान ने कहा है कि कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। पल्स 90 से कम होने पर आवश्यक रूप से भर्ती करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर पैथोलॉजी पर नकेल कसते हुए मनमानी वसूली को रोका जाए। सिटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फीस ली जाए। गांवों में शासकीय स्कूलों को कोविड सेंटर बनाकर आरएमपी चिकित्सकों को ट्रेनिंग और वेतन देकर कोविड सेंटर में उनकी उपयोगिता ली जाए। नूरी खान ने कहा कि इन बातों पर गौर करते हुए प्रदेश सरकार इस महामारी में राहत प्रदान करे। भरपूर स्वास्थ्य सेवाएं देना किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोनों आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के लिए भटक रही है, बिस्तरों के लिए अस्पतालों में भटक रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रही है और भटकने वाले लोगों के परिजन एक एक सांस के लिए मोहताज हैं। शिवराज सिंह चौहान के जो आंकड़े हैं ऑक्सीजन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, वो सब गलत साबित हुए। ऐसे में आज उज्जैन में मेरे और मेरे साथियों के द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है और जब तक कोरोना बीमारी के संकट से हम उबर नहीं जाते, इस तरह की सेवाएं करना हमारा लक्ष्य है। जनता आगे आ चुकी है, अपना काम कर रही है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कम से कम ये जो इंजेक्शन है गरीबों को मुफ्त में देना शुरू करें, ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर करें और साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें 10,000 रूपये ज्यादा बढ़ाकर दरमाहा दें। कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाए। साथ में जो पैथोलॉजी है, डायग्नोसिस सेंटर हैं, ये सब मोटी फीस वसूल करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को और पैथोलॉजी को और इन सारे सीटी एक्सरे मशीन में जो काम कर रहे हैं वहां पर एक फिक्स अनुमान लगाकर एक राशि निश्चित कर दी